होगा मुझे। अच्छा सुनो, मैं ये चाहता हूँ तुम शुरू से यहीं रहे। मैं हम तो यहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इस बात से फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। दुख तो उन आने वाली नस्लों का है जो कर्फ्यू में पैदा हुई है, कर्फ्यू में बड़ी हुई है। क्या वो कभी कह सकते हैं कि हमने किसी आजाद मुल्क में जन्म लिया था? कोई भी कल के आने वाले बच्चों का नहीं सोचता, सब आज का सोच रहे हैं। आज तो हम सब लड़ भिड़ के अलग हो जाएंगे, रह जाएंगे, मिल जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये फिसाद अगर आने वाली नस्लों में जम गया तो कितनी बुरी बात होगी। हम सब एक हैं, ये एक मुट्ठी जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। सरकार, मोहल्ले वालों को चाहिए आपस में एक रहें, बच्चों के अंदर ये तासुब की आग कभी नहीं आए, वरना बहुत ही नुकसान होता है। ऐसे मैं जो समाजी काम कर रहा हूँ ना, वहाँ कहीं कहीं तकरीरों में तुम भी मेरे साथ आ जाया करो। अरे हुजूर, मैं तो बड़े बड़े जलसों में जाता हूँ। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, मैं झूठा हूँ ना, मैं बड़ा बड़े जलसों में यही तो कह देता हूँ, खड़े हो गए किसी भी जलसे में खड़े हो गए तो सांप जलसा खत्म, अपने पैसे लिए जेब में डाले आओ। तो तुम तो बड़े काम के आदमी हो। मैं बड़ा अल्लाह की देन है, जो भी अल्लाह अब्बा का सिखाया हुआ सारा, इंशाल्लाह आप देखिएगा ऊपर जाके अब्बा ही फंसेंगे, आपन तो साफ निकल जाएंगे। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ कारोबार करूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। कारोबार? हाँ, कोई बाहर का शोरूम खोल लें और बाहर खोल लें, इसी बातें कर रहे हैं। हाँ, कारोबार कह रहे हैं ना? नहीं, कारोबार बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस? यस। आपके पास शबराती जैसा जीनियस इंसान है, बिजनेस में बताऊंगा आपको। बताऊ? आप आजकल सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है अस्पतालों का, स्कूलों का। कैसे? सबसे अच्छा बिजनेस यही है, एक अस्पताल खोल ले। चले, खोल लिया, बंद कर दे। बंद कर, बंद कर। जब आपने इतनी जल्दी खोल लिया था, बंद कर दे, खत्म कर दे। आपने कहा खोल लिया? झूठ बोल रहे आप, मेरे मुंह में झूठ बोल रहे आप। मैंने बोला खोल ले, आपने बोला खोल लिया। नहीं, मुझे दिखाएं अस्पताल का है, एक मुझे दिखाएं। इधर हो जाए, ट्रक आ रहा है। मैं झूठा होगा तो मुझे क्यों तुम डरा रहे हो? सरकार, बात तो क्या है, मैं आपको बताऊं, आपको बिजनेस करना चाहिए अस्पताल का। अच्छा, अस्पताल का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। अस्पताल का बिजनेस कैसे खोले आप? मैं आपको बता दूं, आप अस्पताल का बिजनेस यू खोले, एक अस्पताल बनाए, ठीक है, एक अस्पताल बनाए और चार पांच खरीदे वैगने, वैगनों में बिठाए अंधे ड्राइवर, चौथे गियर में गाड़ी हो गई, आदमी नीचे आते जा रहे हैं अस्पताल में, आते जा रहे हैं नीचे, आते जा रहे हैं अस्पताल में। बिल बनाइए, माल कमाइए, बिल बनाइए। मुझे कोई सही का कारोबार बताओ, सही का बिजनेस, ये कौन सा तरीका है भाई? ये अच्छा है भाई, आप कोई बिजनेस नहीं ला रहा? नहीं, दूसरा सुने। हाँ सुनो, चार पांच छह ट्रक खरीदे, उन पे पानी की टंकियां बनवाएं, ठीक है, और जो गरीब पसमानदा इलाकों में पानी की लाइनें जा रही हैं उन्हें तोड़वा दीजिए, फिर वहां अपने ट्रक भिजवा दीजिए, पांच रुपया डब्बा। बहुत बिकेगा, गरीब आदमी को एक ही चीज फ्री मिल रही है, वो है पानी, वो भी बेच दो, ताकि उनके जहन से ये बोझ भी हट जाए ना बेचारों के, साफ हो जाए। देखो घटिया आदमी, अब मैं गरीबों को पानी पिलेट करके दूंगा। पानी तो मिली गरीबों को ब्लैक रंग का, कैसे काला, कभी जाके पिए औरंगी टाउन में पानी, वो पानी एक अंग्रेज को पिलाया, पिया, लंबा हो गया, अस्पताल ले गए, रिपोर्ट आई, पानी की रिपोर्ट आई कि ये पानी जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। जो जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है वो हमारे आदमी पीते हैं, फिर भी जीते हैं, आप देखिए कितनी अजीब बात है। अब कोई चाहता हूँ, कोई अच्छा आइडिया दो ना, ये या आपको तो याद ही नहीं रहता। हाँ? सरकार, क्या आपको तो याद ही नहीं रहता? क्या याद नहीं? आपको वो काशिफ साहब ने जो आपके इमरान खान बने हुए, वो जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने आपके बेटे ने नहीं बताया आपको? हाँ हाँ, क्यों के वेस्ट इंडीज में कोई अबू बेटे के दो अबू है, वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं मेरे साथ पार्टनरी में, वो बनाए ना सरकार? अच्छा, स्टेडियम बनाए? अच्छा, हाँ, फिर इसमें फायदा? बहुत फायदा सरकार। कैसे? अपना स्टेडियम होगा। हाँ? साइकिल का स्टैंड का ठेका मुझे दे दीजिएगा, दुकानें खोलेंगे किन्नू की, पत्थरों की। पत्थरों की क्यों? यही दो दुकानें चलती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा किन्नू और पत्थर ही चलते हैं, और तो कुछ चलता नहीं वहां। ये
दो दुकानें खोल लेंगे, अपना स्टेडियम होगा, आपके बेटे क्रिकेटर है, अपने क्रिकेटर, अपना स्टेडियम, अपनी पिच, अपनी विकेटें, विकेटों के नीचे धागे, दूर आदमी बैठा हुआ, अपने बॉलर ने बॉल करी, धागा खींचा, विकेट, वैसे भी हमारे बॉलरों को अपील की बहुत आदत है, हर जगह अपील करते रहते, कभी चंदे की अपील, कभी बेनिफिट मैच की अपील, और मैच में तो दो दो मिनट का अपील, बेहतरीन काम हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये आइडिया पसंद आया तुम्हारा। अब वो काशिफ ने कहा था वो दोस्त के अपने डैडी को लेने गया, डैडी आ जाते हैं, आप उनसे बिजनेस की बात करें, माल कमाने वाली बात करें सरकार, बस ये क्या हुआ बैल को? ये बैल नहीं है, मतलब मेरा मतलब ये घंटी को क्या हुआ? घंटी? हाँ, घंटी का कनेक्शन तो मैंने काट दिया। क्यों? बहुत बिल आता सरकार, ये तो मैंने बाहर चूजा बांधा हुआ, चूजा वहाँ बोर्ड लगाया हुआ, अंदर आने से पहले चूजा दबाई, चूजा किसी ने चूजा दबाया, गिर गया, ओए मर जाएगा, गो जाहिल आदमी, चूजा बांध दिया, बताओ अगर बिल्ली आ गई तो हमारे यहाँ तो कोई मेहमान ही नहीं आएगा। डैडी डैडी, हाँ डैडी वो आ रहे हैं। कौन वो? तुम्हारे दोस्त के डैडी? हाँ हाँ हाँ। अब बेटा बात सुने, सरफराजी तुम भी इधर आओ जी, समझे, उनकी साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? वो बहुत ही इंतहाई रईस और करोड़पति आदमी है, कहाँ के रहने वाले? भाई बात तो सुने ना आज यार, जी सर, वो वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पैदाइश ब्राजील में हुई है और उनकी पैदाइश आदमखोरों के हाथ में हुई है। इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। अरे सरफराजी, मैं छुट्टी पे हूँ। अरे सरफराजी यार, डरो नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो यार, मैं छुट्टी पे हूँ। बेटा वो कैसी बातें कर, आदम खोर है वो, तो डैडी मैं उनको समझा के लाया हूँ। मेरा बता दे, मैं कहना इसको शुगर है, है? अच्छा वो पता क्या, उर्दू बोलते हैं लेकिन जरा मुश्किल मुश्किल उर्दू बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो आप समझ लेंगे ना, कबीले के आदम खोर, कबीले के? हाँ आदम खोर कबीले के, और पता क्या, रक्स उनकी कमजोरी है। नहीं नहीं, हाँ बस वो देखते हैं और उसके बाद, नहीं नहीं नहीं, हाँ समझ रहे ना आप, और डैडी आप भी ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज ही फाइनल डील हो जाए, ठीक है? हाँ। फिर हमारा स्टेडियम बन जाएगा। हाँ। पार्टनरी में। हाँ। मगर एक काम, स्टेडियम से पहले ये सोचा हम लोग बचे तो बचेगा ना। शबराती मेरी जान, तुम घबरा रहे हो, वो वैसे आदमी शरीफ है। अच्छा। हाँ अंदर से शरीफ आदमी है। है तो आदमी ना। एक बात सुनो बेटा, सही है ठीक है, हम उनके साथ पार्टनरी कर लेंगे, मगर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? तू शादी के लिए तैयार? कितनी जगह मना कर चुका हूँ शादी के लिए, शादी के लिए। अब्बा को तुझे क्रिकेटरों की यही आदत होती है, फौरन ही फ्री हो जाते हैं। जब मैं कोई बिजनेस की बात कर रहा हूँ, शादी कर ले, और जो लोग कितने लोग उनसे कभी नहीं कहा शादी कर ले। तो ये आपके अब्बू हैं, आपसे कहेंगे ना? अच्छा अच्छा, आप अजीब है, आपने माफी मांगे? सॉरी माफी मांगे, वैसे फ्री है, वैसे हम दोनों बाप बेटे फ्री भी है, तुम्हें पता ही नहीं है। और ड्राइंग रूम में चीता आ गया, चक्राती मैं झूठा हूँ? नहीं, अब तुम सच्चे हो जाओगे, क्योंकि वैसे आ रहा है एक कबीले का, उनके सामने मत बोलना। नहीं नहीं, वो बड़े नाराज होंगे। आप बिजनेस माहौल क्या हो गया? ये कौन आ रहा है? दो चार दिन रहे तो अजीब हो जाएगा। हे बाहुबा, मुझे तो हे बाहुबा, हाओ हाओ, हे बाहुबा, हाओ हाओ, हम जाके हाथ मिलाओ, हे बाहुबा, हाओ हाओ, हम जाके हाथ मिलाओ, हे भाई वाह वाह, हम जाके हाथ मिलाओ। हाँ, ये तो बड़ी आसान अफ्री की जबान है, मुझे भी आ गया। शिवाली शिवाली, हम हाथ मिला ली, हाओ हाओ, हम जाकर गले लगाओ, उबा उबा आओ आओ, कच्चा नहीं पक्का दोस्त बनाओ, हाथ नहीं गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, ये आई
बाकी फिर मिल लेंगे, अभी मेहमान ठीक नहीं, फिर मिल लेंगे। अबे कुछ पीने को मंगा ले, अबे कुछ पीने को मंगा ले। अबे तो सारी जानते भाई, शिवाली हिबाला का बाला पूरा शहर में लाला ला। और पूरा शहर मेरे को थोड़ी थोड़ी ये जबान आती है, बोलू बोलो बोलो शादी मंगल में, ही भाई वो मंगल में आओ चले जंगल में, ही भाई बाहुआ एक दिन तुझे खाऊंगा, एक दिन तुझे खाऊंगा। हाले जब बीमारी का समय मुझे बचा ले, देखा ये देखो क्या बात कर रहे, मुझे देख के जबान फेर रहे ऑटो से। हाले क्या हाल है स्टेडियम बना ले, किसी जमाने में यार पैसा 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 बहुत बहुत पैसा हमारे पास, शिलिंग रियाल पाउंड बहुत, तुम 2 करोड़ हमको दो, हम 2 करोड़ तुमको देगा, मिलके स्टेडियम बना ले। ही भाई वाले जरा सांस ले ले, सांस ले ले। ही भाई वा जाऊंगा, नक्शा लेके आऊंगा। ही भाई जाएंगे चाय पी के जाएंगे, कुछ मंगा ले। नहीं नक्शा आप नहीं, असल में ये है कि मैंने कराची शहर का एक नक्शा मंगवाया है, आप उस नक्शे में से जमीन पसंद कर लीजिएगा, उस पे हम जो है स्टेडियम बना देंगे। इन्होंने रंग छोड़ दिया, नशा लेके आओला, बहुत बड़ा बड़ा अफ्रीका वेस्ट इंडीज में बहुत बड़ा हमारा कान है। वाह कितने कान है आपके? हमारा 2 कान है, हमारा एक हीरे का कान है। हीरे का कान कान? ये कान है, ये हीरा, ये अच्छी कान बनाई। हमारा एक हीरे का कान है, दूसरे कान में से क्या निकलता है? दूसरे कान में से मैल निकलता है, और मैल कुछ ज्यादा ही निकला है, सारा ही फैल गया। ये चाहता हूँ आप जो है ना नक्शा देखिए। शिवराती आयो आयो आयो, ई भाई का ढाक ले, ई भाई का ढाक ले, इसमें प्लाट छांट ले। ये कहाँ रख दिया? क्यों? वो तो नाला है, ये लो हम मिट्टी में रख दिया। क्या कर रहे हैं सरकार? जो वजन भी मिले गरीबों की बस्ती में डालना, आगे रख दो डिफेंस सोसाइटी में रख दो, ताकि अमीरों पे बोझ पड़े, इन्हें पता चले जब गरीबों पे महंगाई का बोझ पड़ता है तो उन्हें कैसी तकलीफ होती है। जरा इधर भी रखो आप, इधर आओ नशा पसंद फरमाओ। वाह वाह शिवा, इधर ये नक्शा जो जमीन है समुंदर बोला, चलो 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 सीधी जाम्बो, चलो चलो सीधी जाम्बो, चलो चलो सीधी जाम्बो, हटा के सीधी जाम्बो। हिमालय शिवालय जगह, ये जगह बहुत अच्छा। मैं क्या इसमें किसी गुलोकार का ढूंढ रहा हूँ? हमारा आलो बचपन का आवाज ही मारो निकलता। सब उड़ जाएंगे घर वाले, दूसरे के घरों में छड़ियां मार रहे हो। ये कौन सा घर पसंद है यार? ये आप क्या पसंद कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो आप? ये क्या, ये मोहम्मद अली का घर है, अभी बाहर आ जाएंगे वो केड़िया वाले, घर को बचा ले, अभी सारा केड़िया डिपार्टमेंट टेढ़ा कर देंगे अभी आगे। चलो चलो मुस्तफा कुरैशी का प्लांट है,
अभी आ जाएगा। नवा खरीदिया सी मकान, तू बिल्डोजर मार के दाविता हूं तेरा प्यू बनाएगा। किसी ने गलत बोला है, हमारी पुलिस ऐसी नहीं है कि बिक जाए। ये थाने का रहना बहुत जरूरी है, ये थाना नहीं होगा तो फिर ये झूठी एफआईआर कहाँ कटेगी, गरीब आदमी कहाँ बंद होंगे। ये सारी चीजों के लिए थाने का होना बहुत जरूरी है भाई, इसको रखना पड़ता है। यार को मछलियां पकड़ने आयो सिंगिंग सिंगिंग यस यस ओके प्लीज देखे और चलो चलो सीधे जाम्बो चलो 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 कस्टम की बिल्डिंग है वो कस्टम। हाँ ये वाले कस्टम का बिल्डिंग है। हाँ ये एक मंजिल की, उसका ऊपर का मंजिल किधर है? ये कस्टम की उस जमाने की बिल्डिंग है जब उनके ऊपर की पैदा नहीं थी, इसलिए नीचे नीचे का डिपार्टमेंट बना हुआ। जी हटाओ 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 आगे चले आगे चले आगे आगे झिंगा लाला अजीब ही यार, इनके बयान में और इनके काम में कितना फर्क है। झींगे की दुकान का बोल रहे हैं झिंगा लाला हूँ और पान की दुकान में खड़े हो। शबराती प्लीज यार कुछ करो। अरे भाई ये टीवी स्टेशन है। टीवी स्टेशन तो क्या हुआ, इसको तोड़ो ना। कैसे तोड़ो? ये टूट गया तो ये फनकारों का दिल कैसे तोड़ेगा? मेरी जान, ये तो बिल्डिंग फनकारों ने अपने पसीने से बनाई है।